हाय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक कीजिए। हाय फ्रेंड्स, कई सारे फ्रेंड ने बोला था कि इस पर कैसा वीडियो बनाओ कि व्हाट्सएप के अंदर से अगर मैं कोई करूँ तो ऑटोमेटिकली वो टाइम सेट हो जाए। तो ये आप एप्लीकेशन है स्केड आईटी करके, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। स्केड आईटी एकदम बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट एप्लीकेशन है। उसके मदद से आप अगर आपको व्हाट्सएप का कोई शेड्यूल सेट करना है, कोई इमेज भेजनी है फ्रेंड को उस टाइम पे, ऑटोमेटिकली उसको सेंड है। जैसे कि कोई सबका बर्थडे आ रहा हो और आपको याद नहीं रह रहा है, तो आप इसको क्या करते हैं, आप उसको शेड्यूल बना के ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हो। तो मैंने ये वीडियो बनाया है, इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, छोटा ये एप्लीकेशन। इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पर मैं स्केड आईटी ओपन किया है। आप इसको एप्लीकेशन अकाउंट बना सकते हैं, अगर अकाउंट नहीं बनाना है आपको तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्किप कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फेसबुक के साथ आप उसको साइन इन भी कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप सिलेक्ट करना है, डन कर देना है। अगर SMS लगे तो भी चलेगा। यहाँ पर व्हाट्सएप सिलेक्ट करना है आपको, एक बार इसको एनेबल एक्सेसिबिलिटी वाले पर देनी पड़ेगी। और आपका एप्लीकेशन यहाँ पर स्केड आईडी दिख रहा है, उसको बस ऑन कर लीजिए एक्सेसिबिलिटी में। ओके कर लीजिए, बैक कीजिए, बैक कीजिए। उसके बाद आपको स्केड्यूल बनाना है, किसको आपको भेजना है। तो यहाँ पर ओके कर लीजिए, डोंट ओके। तो ये हमारा फ्रेंड है निपुल करके, तो मैं इसको निपुल को यहाँ पर निपुल इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैसेज टाइप कर देता हूँ, हाय गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड। और एक फाइल पे भी मैं एक फोटोग्राफ भी भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो खींच लेता हूँ, अलाउ टेक अ पिक्चर, यहाँ मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, यस टिक करके। बस उसको टिक मार्क करके किस टाइम पे आपको भेजना है वो टाइमिंग सेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, 4:04:55 कर देता हूँ, सॉरी 35। इसको बस मैंने 35 किया है। अगर कोई ऑप्शन आपको रखना है आस्क मी बिफोर सेंडिंग, तो आपको वो पूछेगा। मुझे ऑटोमेटिकली रखना है, तो बस चेंज स्क्रीन लॉक। अब अगर आप जो भी सिस्टम का आपका जो स्क्रीन लॉक है उसको चेंज भी करना तो कर सकते हैं, इसके अलग अलग रखना तो अलग भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं उसको कंफर्म कर देता हूँ, बैक किया, पैटर्न ही रखूँगा। यहाँ पर हो गया पैटर्न, हो गया मेरा, यहाँ पर हो गया इग्नोर कर देता हूँ, यहाँ पर इग्नोर कर देता हूँ से। ओके अब वेट करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपको व्हाट्सएप का मैसेज इसके अंदर से टाइप करके वो ऑटोमेटिकली भेजेगा। अब देखिए कैसे करता है, ये देखो ऑटोमेटिकली ओपन करेगा वो। आपको जस्ट वेट ही करना है, ऑटोमेटिकली वो टाइम होगा वो 4:35 का, तो ऑटोमेटिकली वो टाइप करके उसको सेंड कर देगा। देखते हैं अभी 4:35 हो गया है, देखो मैं चेक कर लेता हूँ ये है या नहीं, पेंडिंग में जाते हैं चेक करने के लिए। देख लेते कि हाँ, और देखो ये पेंडिंग अभी दिखा रहा है, तो वो डन भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चेक करते हैं वो कैसे ऑटोमेटिकली टाइप करता है। देखो उसने अभी चालू कर दिया काम ऑटोमेटिकली, ओपन किया निपुल को, उसको टाइप किया, निपुल में गया और उसने इमेज सिलेक्ट की और ये सेंड हो गया। अब देखते हैं कि वो पेंडिंग में से डन में हुआ है नहीं हुआ है। स्केड आईटी ओपन करते हैं हम। ओके ये देखो उसको निपुल को चला गया, मेरे फ्रेंड को गया है। तो यहाँ पर
देख लेते हैं ओपन करके, बैक आते हैं उसके अंदर जो इसका पेंडिंग का ऑप्शन था अभी डन हो गया होगा, देखो पेंडिंग में कुछ नहीं है, डन दिख रहा है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।